अरे हुआ क्या, किसको ढूंढ रहा है आखिर, तुझे हुआ क्या है? मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया सुबू। लव हो गया? क्या बात कर रहा है, वो लड़की दिखती कैसी है? छोटी है, नाटी है, मोटी है, कैसी है वो? मैंने देखा नहीं यार। ठीक से देखा नहीं और प्यार हो गया? मैंने उसका फेस क्लियरली देखा नहीं, पर हाइट बॉडी परफेक्ट थी। उसकी नाक की रिंग क्या चमक रही थी, इसलिए मैं उसके प्यार में गिर गया। ये दुखी आत्मा इतना रो क्यों रहा है? लगता है ये प्यार का मारा है। क्या हुआ, काहे रोत है? कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहे हैं। जो तुमका रुलाया हम उका रुलाएंगे। हमका बेबी ने मारा। कौन सी बेबी ने बाबा? उकी लंबाई पेड़ जितनी है। काहे मारा तोहका? हम उका आई लव यू बोले रहे। आई लव यू कहने पर गरीब को मारा? चल मैं भी उसे कहता हूँ, चल। रही आई लव यू कहने वाले को मारेगी। भाइयों और उनकी बहनों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लड़का किसी भी लड़की को आई लव यू कह सकता है। अगर लड़की को मंजूर ना हो तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़की उसे आई हेट यू बोल सकती है। तो तूने उसे चाटा क्यों मारा? रूल क्यों चेंज कर रही है? चल छोटे जा, अब कहाँ सोचत है? नहीं गुड़बक जा। नहीं भैया, चल जा, आई लव यू कह। अगर नहीं बोला तो मैं तुझे मारूंगा, चल बोल। अगर कुछ भाव तो तुम संभाल लेना है, हम यहाँ खड़े हैं। आई लव यू। अब इसने तो दे दिया, तो हर बत्ती सी ठीक है। तुम हमारे ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे ना? आई क्यू अच्छा है, गुड गुड। वो टेंगू था इसलिए तुमने उसे मारा। अब ये लम्बू तुमसे कहेगा आई लव यू। मार 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 मार, देख क्या रही है, हाथ लगा ना, मारना। अरे कहाँ जा रही है, मारना, एक बार टच करना, हाथ लगा, हेलो सुनना। चल मार, खाना हजम नहीं होगा, मारना एकाने मारना। उठे चल ली, जब तक तू चाचा नहीं मारेगी मैं आई लव यू कहता रहूंगा। ए गुलाबू, आई लव यू। कितना मजा आया ना, ऊपर 500 फिल्म थी यार, पैसा वसूल। अरे मुझे एक्सरसाइज क्यों करवा रहा है? मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, सब लोग ध्यान से सुने, मैं इस लड़की को आई लव यू कहने जा रहा हूँ। आई लव यू। बेवकूफ कहीं का, बस आ रही है, चलो 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 ना जल्दी। क्या हीरो सड़क चाप प्यार है, मेरी वाली को छेड़ता है? शक्ल देखिए क्या, लगता है 4 दिन से खाना नहीं खाया। और तेरे को आई लव यू बोलने के लिए मेरी वाली मिली थी क्या? नर्सरी से प्यार करता हूँ उसको, उसे अपनी बहन समझ। उसने मुझे अगले ही हफ्ते केस देने का वादा किया था, समझा? आई लव यू। ये बताओ तुम सैटरडे 10 बजे कहाँ थी? जहन्नुम में थी, तुम्हें क्या करना है? स्विमिंग पूल, पैसे, नाकी रिंग, डायमंड स्टोन। अब तो मैं फुल हार्ट से कह सकता हूँ आई लव यू। कितना जोर है तेरे में? डबल इडियट। ट्रिपल थैंक्स। हाय। तुम्हारे नाक की डायमंड रिंग मेरे दिल में होल कर गई है। मैंने ये बात आज तक किसी लड़की से नहीं कही, मैं श्री की कसम खाता हूँ। ये श्री कौन है? वो मेरा दोस्त यार, वही सब कुछ है। अगर तुम्हारी भी मेरे बारे में वही फीलिंग्स हैं, तो थोड़ी फीलिंग्स के साथ बोल दो ना। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? Yes, I love you too. तो हमारे सारे सिग्नल क्लियर है। तो अब क्या इरादा है? मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आ जाओ। कपड़े छोड़ो, मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी? नाम में क्या रखा है, मैं तुम्हारे नाम से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फूलन देवी, पहले अपना नाम तो बताओ। तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम फूलन ही है, मेरी दादी ने रखा था, पसंद नहीं आया तो। सुपर नाम। क्या शाम को डिनर पर बाहर चले हैं? सिर्फ डिनर ही क्यों, पब चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रॉब्लम? Why problem? No problem. जो मंदिर जाए वो भक्त कहलाता है, जो पब जाए वो लवर सख्त कहलाता है, मेरी तरह। I am ready. Very naughty. Yes, sweetie. ये मैं क्या सुन रही हूँ, love at first sight? Yeah. बिना नाम और आईडी के तो ट्रेन की तत्काल टिकट तक नहीं मिलती, और तुम्हें पहली नजर में लव का लाइफटाइम पास मिल गया। हाँ मिल गया, love at first sight. कौन सी चक्की का आटा खाती वाली छोरी, एड्रेस क्या? मेरे रूम में चल। वहाँ मेरी इज्जत को खतरा होगा। अपने आप में ट्रस्ट नहीं है।
मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने बदले, और कोई है क्या यहाँ? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें हिम्मत की नहीं, टाइमिंग की बात थी, सिचुएशन ही ऐसी थी। मेरी परमिशन के बिना तुमने मुझे ओल्ड, मुझे रूम पर लेकर जाओ किसने कहा था? तुमने, मतलब तुमने ही परमिशन दी थी ना, घूर क्यों रही हो? अगर कोई लड़की नशे में है और तुम्हारे कमरे में आने के लिए कहती है तो क्या तुम उसका फायदा उठाओगे? आमतौर पर नहीं, पर अगर दोनों के मन में बुरे ख्याल ना हो तो नो प्रॉब्लम, मुझे क्यों डर लगे? लव एट फर्स्ट साइट में मेरी काइट की डोर तुमने ही तो काटी। मुझे ऐसा करने पर तुमने ही मजबूर किया। सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने झूठे प्यार का नाटक किया। वाह, तुम्हारे अंदर तो एक महान कलाकार छुपा है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार मल्टीप्लाई हो गया। नो शॉटिंग, आई हेट यू, आई वांट टू किल यू, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। इसकी विकेट डाउन हो गई, पहले पीकर गिरी, अब जोश में होश खो बैठी। आइए डॉक्टर, प्लीज चेक, बराबर चेक करना, घर का केस है। हैंगओवर हो गया है, काफी ड्रिंक्स ले ली हैं। काफी ड्रिंक्स नहीं डॉक्टर, फर्स्ट टाइम पी थी। इनके कपड़े बदलने हैं तो प्लीज कैरी ऑन। एक क्यारे हीरो, एक लड़की टुन थी, उसे रूम पर ले जाने की बजाय यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हो। शक्ल से तो ठरकी लगते हो। क्यों रे, उस मिस का मिस्टर बनने का इरादा है? तुम्हें देखकर लगता है तुम उसके बाप से उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, पर तुम्हारा ससुर तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अच्छा ये बताओ, ये पहली लड़की है या ऐसे बहुत सी लड़कियों को तुमने पहले भी अपने झांसे में फंसाया है? आईची शपथ क्यों सांगतो, वो लड़की को ही अपने को दुल्हन बनाना है। तुम आओगी शादी में? पहले लड़की से पूछो। इसमें लड़की से क्या पूछना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना मेरे साथ। हा? जाओ, शादी का कार्ड भेज दूंगा। कार्ड का इंतजार करूंगी। पता नहीं लड़कियों को मेरी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़की नहीं पटा सकता। वो तो मजा चखाना चाहती थी, पर मजे तो लल्लू के हो गए। फिकर नॉट, उसे फोन कर लेते हैं। अरे तू है कहां, तूने फोन तक नहीं किया, वैसे तो इस वक्त कर क्या रही है? वो आराम कर रही है, एड्रेस दे दो मैं लेकर आ जाता हूँ। खामखा शक कर रहे थे, वी आर सॉरी। एक्चुअली हम यहाँ हॉस्टली हिल्स कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट के लिए आए हैं, आपने हमारी मदद की उसके लिए थैंक्स। थैंक्स, इट्स ओके, इसे ले जाओ। हाय मित्रा, आपसे इंतजार कर रहा था कल। कहाँ था तू, क्या हुआ था कल? हैं? कुछ तो बोल, अपना मुंह खोल। वो भाई साहब, लॉन्ग स्टोरी है। लॉन्ग स्टोरी या रॉन्ग स्टोरी? मिक्स स्टोरी। ये बता कि कल तूने इतना मिस कॉल क्यों दिया? वो अपनी बहन से मिलवाने के लिए। ओ, कहाँ है वो? अरे वो रही, सबसे लंबी, ब्लू टी शर्ट पहनी हुई। हाँ वही। ए, मेघना, बड़ा क्यों है, कल्टी मार, वही है। लकी यार, श्री की बहन है वो। सब गोंडोगोल हो गई। श्री दूरदर्शन हो गए, मैं बाद में उससे मिलूंगा। बाद में क्यों, अरे वो सामने ही तो है, दो मिनट रुक। क्या हुआ, रेस हार गई? खैर छोड़ो, एनीवेज ये है सूर्या, माय बेस्ट फ्रेंड, और ये है सुबह। तुम हॉस्टली हिल्स में थी और हम यहाँ पर थे, इसीलिए तुम दोनों को कभी मिलवा नहीं सकते। तुम गुस्से में क्यों हो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, दो दिन से प्रैक्टिस की वजह से तुम मुझे मिली नहीं और उसके बाद भी रेस हार गई। सुनो दोस्त, तुम खामखा सीरियस हो रहे हो। ए, तू बीच में मत बोल। मेरी हार की वजह जानना चाहते हो? तुम्हारा बेस्ट तो तू कोने में चल, मैं समझाता हूँ। मेरी लंबी कहानी शॉर्टकट में बताता हूँ। तुम्हारी बहन को प्रपोज किया था लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया। मामला नहीं जमा, वो बहुत ही खतरनाक है। सॉरी बड़ी, सॉरी। अरे अरे, मेरे रिजेक्टेड साले को कहाँ लेके जा रही हो? सुबह मेरा क्या होगा? तुम्हारे दोस्त इतने गिरे हुए हैं, अच्छा होगा कि तुम ये फ्रेंडशिप तोड़ दो। क्या, वो सही लड़का नहीं है, ये तुम मुझे बता रही हो? ए, जानता है ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये दोस्ती तोड़ दूं तुझसे? तोड़ दो, नो प्रॉब्लम। मुंह बंद रख अपना। अरे तुझे समझने में इससे कोई गलती हो गई है, मैं क्लियर कर दूं। ऐसा कुछ मत करो, अनक्लियर ही रहने दो, तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करना। चला चला। पता नहीं इसकी हंसी कब नसीब होगी। तो तुम भी सऊदी गए थे, श्रीराम कैसा है? वो तो वहां पर मैनेजर का मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा है, ऐसा दोस्त पाकर मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका तुम जैसा दोस्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अंकल? और नहीं तो क्या कहूँ, जिम में जब देखो मार धाड़ और गुंडे दिखते हैं। लाइफ में यही उठा पटक करते रहोगे या सेटल होने के बारे में भी कभी सोचोगे? धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगा ना। हमारा कुछ नहीं होगा, श्रीराम को देखो, उसकी वजह से आज रिटायर होकर मैं आराम कर रहा हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है, अपनी बहन की शादी करवा रहा है और इसे स्पोर्ट्स पर्सन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब अपने दोस्त को देखकर तो कुछ सीख। उसे और आपके परिवार को देखकर बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरे जीवन में आप लोगों ने प्यार भर दिया है। क्या, तुम कभी नहीं सुधरोगे,
हर इंसान के जीवन का एक टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे जीवन का भी एक बड़ा टारगेट है। और वो क्या है? यही कि जीवन में कोई टारगेट मत रखो। कैसी खोपड़ी है तुम्हारी। आप से बैठ जाइए ना, मैं आपको श्री के भेजे हुए गिफ्ट देता हूँ। ये आपके लिए। शिरीषा को शादी में चमकाने के लिए पूरा ब्यूटी पार्लर भेजा है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए है। मुंह लटका के क्यों खड़ी हो, उसने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट भेजा है। ये लो और स्माइल करो। अरे वो तो एक हफ्ते में इंडिया वापस आ रहा है, फिर उसने तुम्हारे हाथ ये सब क्यों भिजवाया? वो क्या है ना, उसने ज्यादा खरीदारी कर ली है, थोड़ी मैं लेकर आ गया। स्वागत है। हाँ, ये आइटम बॉय कौन है? अरे अंकल है। हेलो, शक्ल से रईस लगते हैं। बिजनेसमैन है। 10 लाख शेयर्स में, 50 लाख रियल एस्टेट में और 20 लाख फूड इंडस्ट्री में। इन्होंने कमाए? नहीं गवाए। मेरा मतलब है अभी तक वापस पाने का कॉन्फिडेंस नहीं गवाया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, तेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। कैसे देखता तू मुझे? पहले तो तू बहुत छोटा था। जब मैं यहाँ आता था तो मैं दाढ़ी रखता था, धूप में चल के आता था ना, इसलिए चेहरा काला पड़ जाता था। तू समझ गया होगा, समझदार बच्चा है। गुड गुड गुड। अरे मुझे एक अटैक आ गया तो क्या मैं खांस भी नहीं सकता? अब मुझे पेशेंट बनाकर मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। ससुर के टुकड़े पर पलने वाला घर जमाई, उठ। अटैक से नहीं, तेरे अटैक से मरेंगे। मुझे तो लगा आप गए। हाँ ओके ओके। श्रीशा, श्रीराम का कुछ जरूरी काम है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है, फिर उसे मेल करना है। अरे अरे, एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट है, तुम उसे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? मेघना को ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ले भी नहीं जाऊंगा। अरे 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 अरे, तुम लोग कब बड़े हो गए? चली जाओ बेटी, घर का ही काम है। पर मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो कल चल बे। हाँ मेघना, कल नहा धो लेना। रुक रे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। तुम और बड़े? यस, तुम्हें शक है? उल्टू। सुनो, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पूछूं ना? पूछना। शादी के बाद आदमियों के पैर उल्टे होते हैं या नहीं, आज रात मुझे देखकर बताना। शादी के बाद आदमी के पैर सीधे नहीं तो क्या उल्टे होंगे? मुझे उल्टा सबक सिखा रहे हो तुम भी ना? ये कब पुछ तो कब के निकल लिए? जानू भानू, आज अपनी शादी की सालगिरह है ना? वो मनोज दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सो जाओ। बीबी, क्या मेरे पैर सीधे हैं? नहीं, टेढ़े हैं। ध्यान से देखो, खुद ही देख लो ना। चलो अब सो जाओ जानू। अब क्या हुआ भानू?